दोस्तों फाइनली अजय देवगन की मोस्ट एंटिसिपेटेड और मच अवेटेड फिल्म शैतान आज के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये फिल्म अपने रिलीज के ओपनिंग डे पर ही एडवांस बुकिंग से काफी नेक्स्ट लेवल की कलेक्शन कर चुकी है। इसे देखकर ये बिल्कुल कह सकते हैं कि दोस्तों अजय देवगन की फिल्म शैतान आज यानी अपने रिलीज के ओपनिंग डे पर काफी शानदार ओपनिंग लेने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शैतान फिल्म एडवांस बुकिंग से कितने करोड़ रुपए करीब कलेक्शन कर चुकी है। वहीं दोस्तों जानेंगे कि फिल्म आज यानी अपने रिलीज के ओपनिंग डे पर इंडिया ओवरसीज से साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए करीब ओपनिंग लेने वाली है। और वहीं जानेंगे दोस्तों इस फिल्म के बजट के बारे में, फिल्म को हिट होने के लिए कितने करोड़ रुपए करीब नेट कमाई करनी पड़ेगी। ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों बस आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन को दिल से लाइक करते हैं या फिर उनके आप लोग वन साइड फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अजय देवगन की फिल्म शैतान गुजराती लैंग्वेज की वास फिल्म का एक रीमेक है। फिर भी दोस्तों ऑडियंस को ये फिल्म आज के दिन भरपूर पसंद आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग सोच की जो हमें रिव्यू देखने को मिली है वाकई में दोस्तों ऑडियंस भर भर के इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज देते जा रहे हैं। हर कोई इस फिल्म को पसंद कर रहा है क्योंकि दोस्तों गुजराती लैंग्वेज की फिल्म थी और दोस्तों शैतान फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। अब दोस्तों हिंदी ऑडियंस को तो पसंद आएगा ही। वही दोस्तों बता दें कि विकास बहल के डायरेक्शन में फिल्म बनी हुई है। दोस्तों इस फिल्म को अजय देवगन खुद प्रोड्यूस की है। वही दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 11 करोड़ रुपए करीब। और दोस्तों आज के दिन जिस तरह इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच हाइप और क्रेज बना हुआ है, इसे देखकर ये बिल्कुल कह सकते हैं कि दोस्तों शैतान फिल्म आज के दिन ही अपने बजट को रिकवर कर जाएगी। वहीं दोस्तों बता दें कि फिल्मों में हमें अजय देवगन सर के साथ साथ ज्योतिका मदावन, जनकी बॉडी वाला, पलक लालवनी, मनोज आनंद और रिचा लीड रोल में देखने को मिली है। वाकई में दोस्तों अभी तक इन सभी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस को एक भी ऑडियंस ने निगेटिव रिव्यूज नहीं दिया है, बल्कि दोस्तों हर कोई तारीफ कर रहा है। अजय देवगन की एक्टिंग और परफॉर्मेंस पूरी तरह से सिनेमाघरों में ऑडियंस का दिल जीतने में लगा हुआ है। दोस्तों मैं ऐसा यूं ही सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ बल्कि दोस्तों ऑडियंस के मिले हुए रिस्पांस के मुताबिक मैं सब कुछ बक रहा हूँ। वही दोस्तों अगर बात करें फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को बता ही चलूं कि फिल्म शैतान अपने ओपनिंग डे पर एडवांस बुकिंग से लगभग दोस्तों 4,14,00,000 रुपए करीब कमाई कर चुकी है ऑल इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, 4,14,00,000 रुपए करीब। वही जिसमें फिल्म के टोटल 1,76,875 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। वही दोस्तों अब बता दें कि फिल्म आज यानी अपने रिलीज के ओपनिंग डे पर लगभग दोस्तों 10 से 12 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट ओपनिंग लेने वाली है। वही दोस्तों फिल्म का हमें ओवरसीज कलेक्शन लगभग दोस्तों 4 से 5 करोड़ रुपए करीब देखने को मिल सकता है। तो वही दोस्तों फिल्म पूरी दुनिया भर से कमाई कर सकती है, यानी कि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जा सकता है लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए करीब। दोस्तों जिस तरह आज इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच हाइप और क्रेज बना हुआ है, जिस तरह ऑडियंस इस फिल्म को भर भर के पॉजिटिव रिव्यूज देते जा रहे हैं, वाकई में दोस्तों आउट ऑफ 5 स्टार में से 4 स्टार और 5 स्टार इस फिल्म को मिलते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कल के दिन इस फिल्म के कलेक्शन में हमें काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों किसी ने बिल्कुल सही कहा, अगर फिल्म की स्टोरी, फिल्म में किरदारों की एक्टिंग और परफॉर्मेंस ऑडियंस को पसंद आता है तो वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर घोड़े की तरह दौड़ती है। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अजय देवगन कई महीनों बाद कमबैक भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों फिल्म चलेगी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, साल 2023 में कैथी की रीमेक जब भोला रिलीज हुई थी तो दोस्तों उस फिल्म का बजट थोड़ा हाई था, जिसके वजह से दोस्तों वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी रही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म का बजट काफी कम है, तो दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट या फिर सुपर हिट फिल्म साबित होने वाली है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म एक हिट रहेगी या फिर सुपर हिट रहेगी, हमें कमेंट्स में अपनी अपनी राय जरूर से बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते किसी करोड़ों के साथ किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन और एडवांस बुकिंग रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।